अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ बॉटम नेविगेशन व्यू। इसके अंदर जैसा कि हम बात कर रहे थे, अब हम जावा में कोड करेंगे। तो बॉटम नेविगेशन व्यू का अपना लेना यहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉटम नेविगेशन हमें चाहिए, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। यूजर आईडी दी नहीं, आई थिंक हमने करना क्या है कि इस नेविगेशन व्यू के ऊपर ना हमने लगाना है लिसनर। तो या तो इसके ऊपर हम आइटम सेलेक्ट लिस्टनर लगा दें, ठीक है, या पूरी एक्टिविटी के ऊपर ही हम इंप्लीमेंट कर दें उन आइटम सेलेक्टेड का इंटरफेस। तो इधर हम पहले लगा के देखते हैं, इससे होगा क्या कि जिस भी मेन्यू आइटम पे क्लिक हुआ होगा वो यहाँ पे उसकी आईडी हमें मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर एक्ट करेंगे। तो मैं स्विच में भेज देता हूँ किसको, आइटम की आईडी को, और केसेस में हम दे लेंगे मैच करके चेक कर लेंगे कि क्या इस पे क्लिक हुआ है या दूसरी पे। ठीक है, तो अभी तो हम इसमें ना सिंपली टॉर्च शो करवा के चेक कर लेते हैं। इसको रन करके चेक करता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। ऐप रन हो गई है, चलिए देखते हैं कि सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया, होम पे क्लिक किया, क्लिक तो हो रहा है लेकिन टॉर्च शो नहीं हो रहा। तो टॉर्च डबल क्लिक करने पे शो हो रहा, तो मींस हमने जो ये लगाया है लिसनर इसमें प्रॉब्लम है। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें तो मैंने कौन सा लिसनर लगा दिया, डी सिलेक्टेड लिसनर लगाना हमने कौन सा था, ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, ठीक है। दोबारा इसको रन करके देखते हैं, तो अब जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो टॉर्च शो हो रहा है, यहां तक ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अभी हमने क्या करना है कि फ्रैगमेंट को रिप्लेस करवाना है, फ्रैगमेंट्स को बेसिकली। अब जब अगर फर्स्ट टाइम हम ऐप चलाएं तो पहला फ्रैगमेंट हमें शो होना चाहिए, होम का फ्रैगमेंट यहाँ पे शो होना चाहिए, तो उसका भी अभी हमने कुछ नहीं किया। एक यहाँ पे बना लेते हैं मेथड, वो क्या करेगा, फ्रैगमेंट को हम रिप्लेस करने के लिए उसको यूज करेंगे। तो फ्रैगमेंट रिप्लेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रैगमेंट मैनेजर को सबसे पहले गेट करते हैं, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी होती है, और फिर हमने करना होता है ऐड या रिप्लेस फ्रैगमेंट। तो करना किस जगह है, उसकी आईडी बता देनी है, जो कि हम उधर व्यू की फ्रेम लेआउट की देके आए हैं क्या फ्रैगमेंट के नाम से, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रैगमेंट जो ऊपर से हमें पैरामीटर पे आ रहा है, और इसको कर देना है हमने अप्लाई कमिट, ठीक है। तो इतने से कोर्स से क्या होगा, फ्रैगमेंट हमारा फ्रेम लेआउट की जगह रिप्लेस हो जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन चले उसके साथ ही हमें क्या करना चाहिए,
होम का फ्रैगमेंट कम से कम शो करवाना है हमने, और फिर जब होम पे क्लिक हो तब भी होम का आ जाए, और जब सेटिंग्स पे क्लिक हो तो तब सेटिंग्स का फ्रैगमेंट आ जाए। इसको दोबारा ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो होम का फ्रैगमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो सेटिंग्स का फ्रैगमेंट आ जाएगा। तो ये था बॉटम नेविगेशन व्यू। आई होप समझ आई होगी अच्छे से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।